विशेष किशोर पुलिस इकाई व AHTU के सफल क्रियान्वयन हेतु एक बैठक का आयोजन पुलिस लाइन के सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर MP सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मानव तस्करी, चाइल्ड लेबर, रेस्क्यू अभियान, बाल विवाह, गुमशुदा बच्चे, मिशन शक्ति, नारी सम्मान, सुरक्षा व स्वावलंबन पर चर्चा की गई। इस अवसर पर SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि सभी के समन्वय से निश्चित ही महिलाएं और बच्चों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस बैठक में बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला, राजेश मणि त्रिपाठी सहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, CWC, JGB, महिला कल्याण विभाग सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान SP क्राइम ने मानव सेवा संस्थान के सहयोग से एक मेधावी छात्रा को साइकिल प्रदान किया, जिससे वे अपनी शिक्षा और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस संबंध में छात्रा के पिता सुरेश कुमार निषाद, मानव सेवा संस्थान के निदेशक राजेश मणि और SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह ने कहा, सुनिश्चित कीजिएगा कि सारे बाल विकास अधिकारी हैं। मैंने निशा का नाम बताया, आपके लिए रेखा का नाम बताया, CMS साहब के प्रतिनिधियाँ हैं, उनके लिए सर आपको मीटिंग में लेने जाना है ताकि पंडित गौ शौकीन है, घर में है लेकिन जहाँ इसका विद्यालय है, जहाँ पढ़ना चाहती है वो दूर है। अब ये जाए तो कैसे जाए, परिवार के सामने संकट है, परिवार गरीब है। ये संज्ञान में आया तो मैंने राज्य से चर्चा किया कि इस तरह की एक बच्ची है जिसको पढ़ने में रुचि है और जाने के लिए उसके साथ बड़ी कठिनाइयाँ हैं, तब तक ध्यान दिया और एक उसके पढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो फिर सर से भी मैंने अनुरोध किया आकर के, तो आ गया और शर्माओ नहीं, और शायद आप उसके साथ संस्थान के जो MD हैं, इन्होंने बहुत अच्छे बच्चों के विकास के कार्य किए हैं। आपने बुकलेट दी थी, मैंने उसको पढ़ा था एंड आई एम हैप्पी कि आप और हम लोगों को आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और आज आपने बेटे क्या नाम दोबारा, निशा, आज आपने निशा के लिए अपने संस्थान की तरफ से उसकी पढ़ाई के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए साइकिल भेंट की है। तो ये हाउस आपके वेलफेयर के तहत की जो है वेलफेयर के कार्य की बहुत हम लोग दिल से सराहना करते हैं कि ऐसे ही आप मानव सेवा में लगे रहें। ये एक रियल मानव सेवा है और हम आपका बहुत ही हाउस की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुरेश कुमार निषाद, जोधपुर बागन सरदार नगर। हाँ, 8 में पढ़ रहे थे, 9 में पढ़े, अब की पढ़े नाम लिखा है। स्कूल पैदल जाते थे? हाँ, पैदल ही जाते थे। पैदल जाते थे। कितना दूर है स्कूल घर से? लगभग 3.5 किलोमीटर। अभी साइकिल मिला? हाँ, साइकिल कौन दिया? और तिवारी जी हैं, मिश्रा जी हैं, उनके माध्यम से मिला है। क्या कहेंगे? अब इनको हम यही कहेंगे कि धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत मतलब हमको साइकिल एक मिल गई इनके तरफ से और बच्ची हमारी जाएगी अब स्कूल, उसको लेकर के। राजेश मणि, निदेशक मानव सेवा संस्थान सेवा गोरखपुर। देखिए, ये बच्ची निशा नाम की बच्ची है और ये सरदार नगर ब्लॉक की है। और जैसे ही मुझे पता चला कि इनका परिवार बहुत ही गरीब है, लेकिन बच्ची को पढ़ने में रुचि थी और बच्ची का स्कूल जो है करीब 3-4 किलोमीटर पड़ता था, तो उसके बच्ची को पढ़ने की रुचि को देखते हुए संस्थान ने ये प्रयास किया कि उसको एक साइकिल दिया जाए जिससे वो आने जाने में उसको कोई परेशानी न हो, अपनी रुचि के साथ वो पढ़ सके और जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति अभियान हो उसको भी हम सफल बना सकें। SJPU और ASTU की जनपद गोरखपुर की ये मासिक मीटिंग सम्पन्न हुई है आज। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया, JJ बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और हमारे जो CCI हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों ने, प्रोटेक्शन अधिकारी, सभी ने इसमें रहा। और इसमें हम लोग बच्चों के विकास और
कल्याण से संबंधित जो भी पहलू होते हैं, जो भी समस्याएं आते हैं, जो भी सुझाव और हम क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। हमारी मीटिंग आज की बहुत ही सार्थक रही और इस मीटिंग में मानव सेवा संस्थान के राजेश मणि त्रिपाठी जी ने अपनी संस्था की तरफ से एक छोटी मेधावी छात्रा निशा के लिए उसकी पढ़ाई में विकास के लिए उसके लिए एक साइकिल भी भेंट की, तो हम राजेश मणि त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद देते हैं। उनकी मानव सेवा संस्थान के प्रति हम लोग आभारी हैं।